नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रूरल फाइट और मैं हूं आपका अपना सोम दहिया। सो ना मैं रांझा हूं ना मैं हीर देखता हूं, ना मैं रांझा हूं ना मैं हीर देखता हूं, जब भी होता हूं अकेला तो माँ की तस्वीर देखता हूं। तो दोस्तों चौंक गए ना आप, सोम दहिया और शायरी बिल्कुल जस्ती नहीं है। तो चलिए, जिसकी ये शायरी है, जिसने इस पोइट्री को लिखा है, उन्हीं से आज उन्हीं के मुँह से ये पोइट्री आपको सुनवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हरियाणवी माँ बोली के एक ऐसे कवि जो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं और हरियाणवी के अंदर उनका बहुत अच्छा नाम है और हरियाणा के अंदर गार्डन जोगे के नाम से प्रसिद्ध हैं। और गार्डन जोगे जैसे हरियाणा में लगा लो या फिर इंडिया लेवल पे हज़ारों ऐसे टाइटल मिल जाएंगे जो उनको बहुत सूट करते हैं और हरियाणवी कविताई को एक नया आयाम देने वाले और युवा दिलों की धड़कन संजीत सरोहा से। संजीत सर, आपका हमारे द रूरल फाइट पर स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल के लिए। थैंक यू सर। ओके ओके, तो संजीत सर आज मैं आपके पास आया हूँ या फिर आप मेरे पास आए हैं तो... भाई मां, दोनों एकद हो रहा है, हंसी दीछी बात है। बिल्कुल। तो संजीत सर, आज हम कुछ ऐसे पहलुओं से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे जो कि मार्केट में या फिर कुछ हमारे ऑडियंस हैं या आपकी ऑडियंस हैं जो जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस को पूरा करने की। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने पोइट्री की शुरुआत कहाँ से की? पोइट्री की शुरुआत फर्स्ट ईयर में जब मैं भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करता था, वो छोड़ के जब मैं सिरसा गया सियासतनाम जो बॉयज़ कॉलेज में, वहाँ रमेश चहल सर मिले, उनसे पोइट्री सीखी, तो वहाँ से मेरी पोइट्री की स्टार्ट हुई। फिर मेरी पहली पोइट्री थी मेरी माँ रामबरगी है, कैसी दुनिया खतर ठंड जामबरगी है, गर्मी में छाया जाडे में घामबरगी है, इतने काम कर फिर भी नरे दुख भोगे क्यों कर बताऊँ लोगों मेरी माँ रामबरगी। इसकी ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद लिखते गए पढ़ते गए लोगों ने पसंद आया तो अब तक चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक आर्टिस्ट को जो सपोर्ट करती है वो जनता ही सपोर्ट करती है, ऑडियंस सपोर्ट करती है। ऑडियंस जब सपोर्ट करेगी तो ही एक आर्टिस्ट बन पाएगा, अदरवाइज कोई आर्टिस्ट नहीं होता। तो संजीत सरोहा को भी, संजीत सरोहा की मैं लाइव देखता हूँ या फिर मैं पोइट्रीज देखता हूँ तो हमेशा वो अपनी ऑडियंस का शुक्रगुजार करते रहते हैं। तो आपकी एक कविता जो बहुत वायरल हुई थी, वो वेश्याओं की नगरी में आप पहुँचे थे, वो एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट था, आपने मतलब वो कहाँ से माइंड मैं है? हाँ, मैं सिरसा जा रहा था, भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन पे खड़ा था मैं, तो मैंने एक बंदा देखा वैसे ही, तो मेरे दिमाग में वैसे बैठे बैठे पता नहीं क्यों, एक तो देखो आइडिया आता है पढ़ने से, तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ पढ़ रहा था, बैठे बैठे एकदम दिमाग में आया कि यार मतलब रक्षाबंधन था, मेरे बहन नहीं है रियल, अच्छा रियल में बहन नहीं, हम तीन भाई भाई हैं, तो मैं बैठे बैठे वैसे बैठा माँ यार होती तो अपने भी पहुंची बांधी राखी बांधी, सीधी सी बात है, मैं यार लोग बाप खरीद ले हैं माँ खरीद ले हैं, क्यों ना एक लड़की खरीद के बहन बनाया जाए। वो मुद्दा एकदम दिमाग में आया, लड़की खरीदा तो कड़ा तो खरीदा ही, वेश्याओं की नगरी में मिलती हैं बस लड़कियां, तो क्योंकि ऐसे तो कोई बेचेगा नहीं, बेचते वहां जाके वहां से आप खरीद के बहन बना सकते हैं, तो एक ऐसे वरदान जुड़ता गया। और फिर मैंने सोचा कि इसकी कविता लिखें ताकि लोगों को मोटिवेट करे, तो कविता बन गई, तुकबंदी कर दी गई, जुड़ दी गई और बन गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस कविता की। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था वो बहुत अच्छे लेवल पे, वो वीडियो थी या फिर आपकी पोइट्री थी बहुत अच्छे लेवल पे वायरल हुई थी। और चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं, तो मैं आपको लगभग ये लगा लो आप 15,000 जब सब्सक्राइबर थे आपके, तब से मैं आपकी कविताएं सुनता आ रहा हूँ। तो जब आप पहले लिखते थे तो पहले की जो कविताएं थी बाबू पे होती थी, माँ पे होती थी, आपने मतलब कोई ऐसा करेक्टर नहीं छोड़ा घर के अंदर कि भाई पे आपने नहीं लिखी हो, यहाँ तक कि आपने कल्लू मास्टर के ऊपर भी एक कविता लिखी थी। और जब कल्लू मास्टर की जो कविता थी ना, मैंने सुनी थी ना, बस ये लगा लो मैं रोने लग गया था भाई साहब। तो वो एक यूनिक से सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और हर एक कविता के अंदर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं आप मैसेज कहीं ना कहीं झलकता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पोएट्री से? हम मतलब इतने बड़े घर में पैदा नहीं हुए भी टाटा बिड़ला या उनकी औलाद हूँ, सीधी सी बात है भाई, गरीबी देखी है और मैंने कदे कविता नहीं लिखी, मैंने गरीबी लिखी है, हमेशा गरीबी बेची है। तो मुद्दे थे गांव के थे, कई चीज़ के वह स्टोरी आपको हाफ मिलती है, हाफ आपको फिक्शन यूज़ करना पड़ता है, काल्पनिक यूज़ करना पड़ता है आपको। तो जो स्टोरी में मैसेज की बात आपने की है, तो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा ये था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पोइट्री में अपना करियर बनाना है, मेरा ये था, मैं टीचर था स्कूल में, स्टडी करता था साथ में, बस पार्ट टाइम मेरा चलता रहे और एक ऐसा मैसेज क्रिएट हो, एक ऑडियंस क्रिएट हो, क्योंकि आप मुशायरे जहाँ भी होते हैं वहाँ हमेशा तहजीब की बात होती है, लोग हमेशा वहाँ पे एजुकेशनल मिलेंगे भी पढ़े लिखे जो मुशायरों में जाते हैं। हरियाणा में कवि सम्मेलन का बेरा एक उनकैया है, बिल्कुल लक्ष्मी मांगे राम धनपत का टेम रागनी हुआ करती, कविता हुआ करती, कविता की रागनी बना है, वह कविता ही कराया करते, उसके बाद एक दौर खत्म हो गया कविता का, तो मैंने सोची थी दिमाग में कि यह चीज होश का तो कर लेंगे, नहीं तो भाई उम्र रही तो अपने लगे रहोगे, लेकिन लोगों ने सुनिया और वो कविता में मैसेज देना इसलिए जरूरी था, और बस वाई है कोई हटके चीज करने की कोशिश करी तो लोगों ने प्यार दिया भाई साहब और मैसेज सिर आंखा पर रखा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपके हर एक मैसेज को लोगों ने पॉजिटिव लिया, और आजकल तो आपको मैं देख रहा हूँ कि आपके टिकटॉक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पोइट्री वायरल हो रही है, और बहुत ज़्यादा लोग टिकटॉक बना करके आपकी पोइट्रीज को भेज रहे हैं। तो टिकटॉक पे आपकी जब पोइट्री वायरल होती है ना, जैसे यूट्यूब पे इतनी वायरल नहीं होती जितनी टिकटॉक पे आपके फॉलोवर जुड़ते हैं, टिकटॉक पे जितनी वायरल होती है। वायरल का मैं बता देता हूँ, टिकटॉक पे देखो छोटी सी क्लिप होती है, 5 मिनट की वीडियो अगर मैं शेयर करूंगा तो मैं भी थोड़ा सा मतलब हिचकिचाऊंगा कि भाई साहब 5 मिनट की कौन देखेगा। टिकटॉक पे 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट। सुमित भाई टिकटॉक मैं चलाता भी नहीं। एक मैं बड़ी बात बताता हूँ, मैं टिकटॉक खुद नहीं चलाता, मेरे फोन में लॉगिन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मरना इतना यूज भी ना करना, तो आपने देखा होगा मेरा टिकटॉक नहीं बना पाऊंगा कोई वीडियो पर। अच्छा, वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड करूँ ना काट काट के गिरा करूँ, मैं टिकटॉक नहीं बनना, मैंने बनानी है भाई। आप ऐसे कह के ना टिकटॉक नहीं चलाते, लाखों लोगों की आप तोड़ रहे हो। चला रहा हूँ टिकटॉक, चल रहा है लेकिन मैं नहीं चला रहा, मैं ये कह रहा हूँ सुमित भाई एक रोहतक से वो चलाते टिकटॉक। और टिकटॉक चलाने का मैं एक बताता हूँ, मैं ना हमेशा टिकटॉक से थोड़ी सी नफरत सी करता था। मान नहीं यार, एक लेवल है कि आप किसी भी बंदे की प्रोफाइल सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाएंगे या यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, ना फेसबुक पे जाते, ना इंस्टा पे जाते, ना ट्विटर पे जाते, ना टिकटॉक पे जाते, गूगल या यूट्यूब भी किसी को भी हमने सर्च करना, उसके बारे में जानना है। तो केडी भाई मिला मेरे तो, एक गुड़गांव मिले थे हमें, तो उसने कहा यार टिकटॉक तू तो चला, तू तो बहुत वायरल होने वाला है। कहता मेरे इतने हैं तो तेरे तो ब्रेन कितने पाऊंगे, सीधी सी बात है। तो केडी ने मेरती कहा, और भी कहिया निकाल लिया था मेरती। फिर मैंने सुमित है एक दोस्त सुस्ती फोन करे, टेक्निकल अच्छा जानता है बंदा, हाँ भाई बना लिया आइडिया, पोइट्री कट कट गिरी जा अगर तेने टेम हो तो। वो गेडन लगा वो चाल पड़ी, मैंने मेरे को जहां तक याद है ना 15 दिन के अंदर आपके 50 अब ना 2.5 महीने हुए हैं, 1.5 लाख हो गए। आपको फिर ये जैसे आपकी पोएट्री है, अब नेक्स्ट लेवल पे कहाँ पोएट्री कर रहे हो आप? स्टेज ऐप है एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड न्यूज भी आपके लिए, 17 तारीख को मेरा पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है। बहुत हो गया, समाज के उन सभी मुद्दों को मैंने उठाने की कोशिश की है, जो मुद्दा लड़की का है, जो मुद्दा बेरोजगारी का है, जो मुद्दा किसान का, जो मुद्दा जनता का है, जो मुद्दा नेताओं का है, वो टाइटल दिया बहुत हो गया, बहुत हो गया यार अब और नहीं। स्टेज ऐप पे आप अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आप वेबसाइट stage.in आप गूगल पे डालो, उसमें पोइट्री मेरे नाम से मिलेंगी। और आप एंड्रॉयड यूज करते हैं और दूसरे में आईफोन में या एप्पल में iOS एप्लीकेशन शायद उनके अभी लॉन्च नहीं हुई, तो वो भी वेबसाइट पे जाएं और प्ले स्टोर पे ये स्टेज ऐप मिल जाएगी आपको। हाँ, तो ऐप डाउनलोड करो और वीडियोस आप वहाँ पे देखें। 17 तारीख को पहला एपिसोड रिलीज हो रहा, बहुत हो गया, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो आजकल जो आपकी कविताएं हैं ना, जैसे लव लेटर वगैरह है, तो वो बहुत रोमांटिक लव लेटर मैं बता देता हूँ। पहला का प्यार हुआ करता हवस, मैंने कोशिश करी जब चिट्ठी के टाइम का प्यार होता था, लेटर्स का जब दौर होता था, कैसे मतलब प्रेमी प्रेमिका बात करते थे। देखो सीधी सी बात है, पोइट्री के अंदर आप करुणा रस भी होता है भाई साहब, ये प्यार रस श्रृंगार रस था जो मैंने यूज़ किया। हाँ, गंदगी उसमें आप ना दिखाओ, प्यार तो देखो होता ही है आपस में, एक भगवान ने बनाया प्यार तो होगा, गंदगी ना दिखाओ। तो मैंने वो कोशिश की थी, जब दो अलग अलग गांव के होते हैं, वो आपस में स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो एक टाइम के बाद बिछड़ जाते हैं, तो उनकी चिट्ठी के द्वारा बातचीत कैसे होती है। और एक खुशखबरी है, वो लव लेटर दोबारा से बहुत बड़ी कंपनी के अंडर रिलीज हो रहे हैं प्रॉपर शूट होके, और वो एक ऐसी स्टोरी चलेगी जैसे हीर रांझा की स्टोरी थी। और मेरी कोशिश रहेगी कि एक ऐसी स्टोरी मैं क्रिएट करके जाऊं, मतलब मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूं कि लोग उन प्रेमी प्रेमिका ने भूल जाए या चीज याद रखे, उसने एक प्रॉपर करेक्टर का नाम दिया जाएगा, उसके प्रॉपर करेक्टर का नाम दिया जाएगा, बाकी आप लव लेटर में देख लियो, बहुत जल्दी रिलीज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीत भाई आपके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप ये बता दीजिए? मेरी मास्टर्स है भाई मास्कॉम से, PhD मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ मास्टर्स मास्कॉम से। कई भाई मेरे से पूछते रहते हैं संजीत भाई करते क्या है, मतलब इस पोइट्री के अलावा क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ भाई, सेंट एमएस ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल में एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हूँ, ड्रामा ट्रेनर हूँ, पढ़िया लिखा हूँ भाई। कई बंदू ला क्या करा। कई बंदे ये सोचते हैं भाई पता नहीं ये करता क्या है, कई बंदे तो आपके साथ वाले मिलते हैं ना कि भाई ये मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था, तो उनको लगता है कि आप पता नहीं संजीत कहाँ गायब हो गया। नहीं मैं बता दूँ, टीचर हूँ भाई मैं, और तो पीछे आ जाए मैं घर चला लें अपना, सीधी सी बात है भाई कल ले हाँ। और साथ में पोइट्री चल दी रहे भाई साहब, साथ में के है सोशल वर्क भी कई चीज़ें हैं, और सॉन्ग आपने मोटो देखा होगा, सॉन्ग से हमने स्टार्टिंग की है और एक अलग जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हरियाणा के अंदर, बाकी प्यार भाइयों देना। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि इन संजीत भाई का एक ही सॉन्ग आया है, फर्स्ट सॉन्ग आया मोटो, और मोटो ने ही इनको मिलेनियर बना दिया, उस मोटो सॉन्ग
कि फर्स्ट डेज और सेकंड डे के अंदर ही देखा जाए तो उनके मिलियन क्रॉस कर दिया था उन्होंने। और एक आर्टिस्ट के लिए और एक जीरो लेवल से जो आर्टिस्ट काम करता है, जो फर्स्ट में काम करता है बिना प्रमोशन के, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत थी और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था इनके लिए। तो संजीत भाई, मोटो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तो मोटो बताओगी कि साला क्या मोटो ने भाई, जनता ने तो बता दिया। अब मैं देखूं तो लगभग 24 लाख हो गए, ऊपर हो गए 24 लाख से, और बहुत प्यार दिया लोगों ने। मैंने मतलब सोचा नहीं था, उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़ के। देखो हमने प्रमोशन नहीं लगाया, एक भी रुपया प्रमोशन पे नहीं लगाया। वीडियो के लिए हमारे पास जितना बजट था, जितना हमारा मतलब कॉन्सेप्ट था, एकदम शूट किया हमने। कुलदीप राठी की मेहनत थी, नवीन विश्व बाबा का सपोर्ट रहा था, मैंने लिखा था, भाई साहब प्रांजल ने एक्ट किया, अरमान ने एक्ट किया, अरविंद भाई ने गाया, म्यूजिक दिया, सबकी मेहनत थी एक टीम की। और सबसे ज्यादा मेहनत थी ऑडियंस की, जिन्होंने लोगों तक पहुंचाया, आप जैसे भाइयों ने, ऑडियंस ने लोगों तक पहुंचाया और बहुत प्यार दिया। और बहुत जल्द दूसरा गाना रिलीज हो रहा है, तेरी आंख, उसकी डेट कब है भाई साहब? डेट अभी शूट नहीं हुआ है फाइनल, मैं डेट अभी अनाउंस कर नहीं सकता, शूट हुआ नहीं है। शूट होने के बाद हाँ कोशिश रहेगी इसी महीने। अच्छा, इसके बाद जो अगला गाना आएगा के आल है। अच्छा, वो है वैलेंटाइन का शायद, हमने सोचा है, बाकी देखो जब ऑडियंस बताएगी। अच्छा, आप भी फिर वैलेंटाइन वगैरह में विश्वास रखते? नहीं, जमान रखता भाई साहब। अच्छा, मतलब लोगों के फीलिंग समझते हो, मतलब कोई फीलिंग नहीं समझते? नहीं, वैलेंटाइन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, शायद हम उनको भी एक मतलब श्रद्धांजलि दें, गाने के रूप में दें या पोएट्री के रूप में, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है। अच्छा हाँ, तो संजीत भाई, ये आप संजीत को संजीत बनाया, इसके पीछे कौन है, मतलब किसने संजीत को संजीत बनाया? किताबों ने, किताबों ने। और आपने राइटिंग की शुरुआत की, और उसके बाद या राइटिंग की शुरुआत किसी की गाइडेंस में की, या फिर आपके गुरु किसको मानते हो आप? रमेश चहल, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, रमेश चहल सर से, जो शास्त्री बॉयज कॉलेज में मिले और एडिटर थे न्यूज़पेपर में, संपादक थे, तो उनके गाइडेंस में सीखा मैंने। और उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को यही कहा था कि 1.5 साल भूल जा, लिखना के हुआ है, पढ़ बस। अच्छा, मैं पढ़िया भाई साहब, 1.5 तो कड़ा पढ़ पाया, 3 भी नहीं पढ़ पाया लगातार। फिर नू भीतर था, नू आने लगे, यो भी लिखूं, ये मुद्दे पढ़ने की आज भी कोशिश करूँ। जब भी कोई नई किताब मिले है, जब भी कुछ ना कुछ मुद्दा मिला है, मैं पढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरी एक कोशिश रहती है, हर बंदे में एक स्टोरी है, क्यों ना उस बंदे की वो स्टोरी जानी जाए और उसको कागज पे उतारा जाए, बस। और मेरी कविता में कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, कहानी मिलेगी, फीलिंग्स मिलेंगी। बिल्कुल,